अब मोटा मोटा 35 लाख रुपए बच्चा दिखा पा, एजुकेशन लोन इजीली ग्रांट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने से क्या हो जाएगा, ये तो सेकेंडरी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो आपके फर्स्ट ईयर से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आपको सबसे पहली बात मिलता है, और इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में सेकंड आता है अपने पास में फंड। अब मोटा मोटा 35 लाख रुपए बच्चा दिखा पा, ये हमको एक साल की ट्यूशन फीस और एक साल का लिविंग एक्सपेंस के अंदर दिखाना। अब 35 लाख रुपए इंडिया के अंदर किसी के सेविंग अकाउंट के अंदर 6 महीने या 3 महीने पुराना इज वेरी बिग डील। उसके लिए मैं क्या ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं बच्चे को, एजुकेशन लोन की तरफ। एजुकेशन लोन इजीली ग्रांट हो जाता है, और अगर मास्टर्स के लिए बच्चा प्लान कर रहा है तो अपने पास में इन हाउस लोन भी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है, टोटली आपकी फ्यूचर इनकम के ऊपर डिपेंडेंट लोन आपका अप्रूव हो जाता है। जो आप आज अगर लोन आपको ग्रांट हो रहा है, तो आप जब 2 साल बाद एजुकेशन खत्म होगी और 2 साल तक आप जॉब कर लोगे, तब आपको उसको पे ऑफ करना होगा। ऑस्ट्रेलिया जाने से क्या हो जाएगा, ये तो आपके सामने मैं एग्जांपल बैठा। अगर कोई भी बच्चा कोई भी डिग्री जस्ट आफ्टर इस 12th वो इंडिया से करता है, तो 3 साल के बाद में उसके पास में डिग्री के अलावा कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की 5 या 6 लाख रुपए की नौकरी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आपको सबसे पहली बात मिलता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, आप खुद रहना सीख जाते हो, डिसिप्लिन हो जाती है आपकी लाइफ बहुत ज्यादा। सेकेंडरी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो आपके फर्स्ट ईयर से। कोई भी मैंने ऐसा एक सिंगल बच्चा नहीं देखा जो हल्की लाइफ अपने जी रहा है, सबकी बहुत बेहतरीन लाइफ है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना। तो ये एक तरीके से ड्रीम्स भी होते हैं हर बच्चे के, हम जाते एक वेल डिसिप्लिंड और एक बहुत ऐसी लेविश लाइफ मेंटेन करें, तो वो इजीली पॉसिबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अपने पास में मेजरली आता है कि बच्चा जस्ट आफ्टर एजुकेशन उसके पास में एक दूसरी कंट्री की डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप लेने की अपॉर्चुनिटी होती है।